स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 910 चैनल पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाने वाले हैं। तो फाइनली ये मेरी पहली वीडियो है इस चैनल पे जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, या क्या एक्चुअली पढ़ने तो कुछ मिलने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम आने वाले 60 दिन के अंदर आपकी तैयारी इस चैनल पे कैसे कराने वाले हैं, ताकि आपको आपके साथ और हमारे साथ एक बॉन्ड बन जाए। जब हम लोग ऑफलाइन क्लास में जाते हैं तो पहली क्लास में क्या होता है, पहली क्लास में पहले 10 मिनट 15 मिनट होता है कि यार अब हम पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, फिर कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ताकि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जो है वो एक प्रकार से बैठनी शुरू हो जाए। क्योंकि अभी फिलहाल हम लोग नवम्बर महीने में हैं, तो हमारा जो प्लान है वो थोड़ा सा बदलेगा पढ़ाई का। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सेशन की शुरुआत करते होते हैं अप्रैल में, मई में, जून में, तो पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग होता है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा अलग। तो पढ़ाई कैसे करने वाले, आज मैं दो टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ कि पहले हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स आपके लिए इस चैनल पे लेके आएंगे, और दूसरा जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ वो होगा कि हम आपको किस तरीके से इस चैनल पे पढ़ाने वाले, साइंस को आप तक कैसे डिलीवर करने वाले हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइन्थ क्लास की, नाइन्थ और टेंथ दोनों क्लास की बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नाइन्थ क्लास की। नाइन्थ क्लास में हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर आपके ला रहे हैं वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले जो चैप्टर हम लोग लेके आएंगे वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। अब आप सोच रहे हो कि इसके पहले वाले चैप्टर्स का क्या हुआ, यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर। रुको जरा भाई, सब्र करो, वो भी चैप्टर याद देखो, मोस्ट ऑफ दी बच्चों ने वो दो चैप्टर्स कर लिए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो अभी आपके जो यूटी पीटी पूटी मूटी वो सब आ रहे हैं उनमें वो चैप्टर्स शायद नहीं आ रहे होंगे मोस्ट ऑफ दी के। मैं अपने ऑफलाइन के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग साथ साथ तो दे ही रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसके पहले दो चैप्टर आपके अभी एग्जाम में नहीं आ रहे, तो जो आपको अभी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ये चैनल आपके लिए है तो आप ही के बारे में सोचेंगे, जो मुझे चैप्टर अच्छा लगता है वो थोड़ी कराऊंगा, फिर वो बात को समझो आप। तो इसीलिए एटम्स एंड मॉलिक्यूल जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सबसे पहले वो चैप्टर लाएंगे हम लोग। कैसे लाएंगे, कब लाएंगे, वो आपको पता चलता है। जैसे कि आपके पास सबसे पहले जो चैप्टर आएगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल आएगा, उसके बाद आपके पास आएगा वर्क एंड एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी कह लो, वर्क एनर्जी कह लो। उसके बाद आएगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, यानी कि आपका बायोलॉजी का चैप्टर। तो सबसे पहले आगे आपके पास केमिस्ट्री, फिर आगे फिजिक्स, फिर आगे बायोलॉजी, फिर आगे केमिस्ट्री, आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर आगे आपके पास फिजिक्स साउंड, और फिर से आगे आपके पास फिजिक्स ग्रेविटेशन। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसके वैसे बात है इसके बाद पढ़ाई रुक रुक जाएगी, लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो मेरे हिसाब से आपके टर्म टू के हैं। अब इसके जो पहले के चैप्टर, यानी कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल के पहले के, मैटर इन आवर सराउंडिंग और इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से बात करें तो मैटर इन आवर सराउंडिंग को डिलीट ही हो, बट फिर भी बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में आया था, तो उससे पहले हम इज मैटर अराउंड अस प्योर का वन शॉट डाल देंगे, लेकिन मैटर इन आवर सराउंडिंग का भी डालेंगे, पर पहले हम बात करेंगे सिलेबस की। ऐसे वर्क एनर्जी के करने के बाद, साउंड करने के बाद, ग्रेविटेशन करने के बाद हम लोग मोशन और लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे। सेम गोज फॉर बायोलॉजी ऑल्सो। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज करने के बाद हम लोग सेल और टिश्यू की भी बात कर लेंगे, क्योंकि व्हाई डू वी फॉल इल भी डिलीट हो चुका है। और अगर टाइम बचा तो बाकी जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं, जैसे यूपी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, उनके एग्जाम में हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे आप लोगों से, पोल वेगा डलवा के, कि आप लोगों के वो डिलीटेड सिलेबस आ रहे होंगे तो वो भी करा देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है, कराएंगे सब। पहले ये कराएंगे क्या लिखा हुआ है, कौन से चैप्टर्स पहले, पहले ये कराएंगे। अब ये चैप्टर्स आप तक कैसे आएंगे, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास वन शॉट में, ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके पास वन शॉट में आएंगे, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों, आगे बढ़ने दो, पहले पहले ये चैप्टर्स आएंगे। इसके बाद टेंथ वालों को पहले कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिर हम पढ़ाएंगे कैसे पढ़ने वाले हम। टेंथ वालों को सबसे पहले कार्बन, ओ माय गॉड, इसकी जो डिमांड है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर की डिमांड इतनी थी कि मैं अपनी बीवी के साथ कोई फोटो डाल रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे, तो बच्चे वहाँ पे लिख रहे हैं सर ये सब बाद में करते रहना, पहले कार्बन एंड कंपाउंड करा दो। मतलब भाई साहब टीचर की बेइज्जती करते, यूट्यूब पे कमेंट कर लो यार, समझ में आता। लेकिन मैं बीवी के साथ फोटो डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, वहाँ पे लिख रहे हो सर ये सब करते रहना, पहले कार्बन कंपाउंड करा दो। तो भाई साहब ये इतना ज़्यादा डिमांडेड चैप्टर था कि लगा कि सबसे पहले इसी का थोड़ा मानते हैं। उसके बाद हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसके बाद मेटल्स एंड नॉन मेटल, और उसके बाद हेरिटेड एवोल्यूशन। तो सेम वही प्रोसेस पे चल रहे हैं, सेम वही प्रोसेस है। वही प्रोसेस से कहने का मतलब है भैया, वही प्रोसेस कि भैया पहले वो चैप्टर्स करेंगे जो आपके यूटी पूटी मूटी में आ रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे जो पिछले चैप्टर सारे कराए जाएंगे। भाई साहब उसकी टेंशन मत लो,
लेकिन गारमेंट्स कंपाउंड के जो पहले चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, एसिड बेसिस, सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन, सब होगा, लेकिन पहले ये चैप्टर्स होंगे। बात समझ में आई? ये प्लान है हमारे आने वाले कुछ दिनों का, कुछ हफ्तों का, जहाँ पे आपको ये वन शॉट के, अगेन ये सारे चैप्टर आपको वन शॉट मिलेंगे, कार्बन्स कंपाउंड वन शॉट मिलेगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वन शॉट मिलेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट वन शॉट, मेटल्स एंड नॉन मेटल आई होप वन शॉट ये थोड़ा सा बड़ा है, बट वन शॉट में करा देंगे, थोड़ा वन शॉट की लेंथ बढ़ जाएगी, हेडिट इन एवोल्यूशन वन शॉट, ठीक है जी, ताकि आप अपने लास्ट टाइम जो आपके यूटी पूटी मूटी आ रहे हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं, उनमें रिविजन कर सको। लेकिन हम आप तक पढ़ाई लाने कैसे वाले हैं, चाहे वो नाइन्थ हो चाहे वो टेंथ हो, दोनों के लिए मैं कॉमन लिख रहा हूँ कि हम कैसे लेक्चर्स को आप तक लाने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपके पास वन शॉट आएंगे, ये तो भाई साहब श्योर शॉट बात है, ये तो हो ही गया, ठीक है जी, ओके। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, वो आएगी आपके पास पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज हम दो तरीके से आप तक लाएंगे, कभी लाइव जाके लाएंगे और कभी रिकॉर्डेड लाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में कोशिश करेंगे कि हम लाइव आए, इसीलिए बच्चों आपको लाइव आना बहुत जरूरी है। लाइव हम लोग वीकेंड्स में आएंगे, ताकि और वीकडेज में भी आएंगे, मतलब ऐसे कोई वीकेंड वीकडे की बात नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग वीकेंड्स में आएंगे, पी वाई क्यूज लाएंगे लाइव। लेकिन इन पी वाई क्यूज के साथ साथ, क्योंकि अब आपको पता है पी वाई क्यूज की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि सब फॉर्मेट बदल गया है, तो यहाँ पे पी वाई क्यूज के बजाय मुझे लिखना चाहिए कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये लिखना बेहतर रहेगा। पी वाई क्यूज लिखने के बजाय एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है जी। तो पी वाई क्यूज आपके लिए यहाँ पे हम लोग लेके आने वाले हैं। लेकिन भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और वो है कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स। कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स का मतलब क्या है? देखो, मैं जानता हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनकी आपको ना बहुत रिविजन की जरूरत पड़ती रहती है। अगर मैं 10th का कोई एग्जांपल ले लूँ, मान लेते हैं ओम्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल्स, या सीरीज पैरेलल के ऊपर क्वेश्चन, या फिर हीटिंग इफेक्ट, या पावर, लाइट के रिस्पेक्ट से बात कर लूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोस्ट डरावना टॉपिक जो बच्चों को लगता है, तो उनके हम ऐसा एक नया कंसेप्ट ला रहे हैं यहाँ पे। कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स का मतलब है 10 मिनट से छोटी वीडियो बनाएंगे, उस कंसेप्ट को समझा देंगे और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा देंगे 4-5, ताकि जब भी आप लोगों का एग्जाम हो और उस टॉपिक में कुछ कंफ्यूजन आ रही हो, आप लोग उस वीडियो को ठलाक से सेव करके रखें और बस सुबह शाम दिन रात लिफ्ट में, बाथरूम में, वॉशरूम में, मेट्रो में, कहीं पर भी उसको देख लें, तो वो आपका कंसेप्ट 10 मिनट्स के अंदर पूरा हो जाए। ये बहुत जरूरी है बच्चों, तो कंसेप्ट अंडर 10 मिनट्स। और बाकी फिर से मैं बात कहूँगा, वो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि इस चैप्टर में आपको, अच्छा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली आपको कंटेंट मिलता रहेगा। मान लो हमने वन शॉट पढ़ाया, उसकी पीपीटी तो चाहिए होगी आपको, मिल जाएगी। मान लो पी वाई क्यू करा, उसका पीडीएफ चाहिए होगा ना, मिल जाएगा। मान लो टॉपिक अंडर 10 मिनट्स कराए, उसकी तो पीपीटी होगी, मिल जाएगी। एक्स्ट्रा डीपीपीस हम आपको टेलीग्राम पे भेजेंगे, ऐसे बोलेंगे बच्चों टेलीग्राम पे पीपीटी भेज दी है, टेलीग्राम पे असाइनमेंट भेज दिया है, इसको हम लोग अगले हफ्ते डिस्कस करने वाले हैं, तो अगले हफ्ते उसी असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे, टेलीग्राम से पीपीटी डाउनलोड कर लेना, तो नीचे टेलीग्राम भेज दिया। तो इस तरीके से हमारी जो है पढ़ाई चलने वाली है। बाकी आप सब प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हो सकता है हम कुछ गलत सोच रहे हो, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल हम लोग ये करेंगे, कमिटमेंट है आपकी तरफ से, अगर एफर्ट्स आए हमारी तरफ से 4 गुना 16 इसके आगे नहीं आता, 4 गुना एफर्ट्स आएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस अब हम शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं चलेंगी इस चैनल पे, सिर्फ चलेगी पढ़ाई, ठीक है ना, यहाँ पे चलेगी पढ़ाई। आपके पास अगेन कंसेप्ट अंडर 1 मिनट के साथ साथ मैं आपको बोलूँ शॉर्ट्स, इनको मैं भूल गया यार, सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स में आपको छोटे छोटे कंसेप्ट, फैक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह लाते रहेंगे, बात समझ में आ गई, तो ये भी बहुत जरूरी है, शॉर्ट्स भी आते रहेंगे आपके पास। चलिए, मेरे हिसाब से मैंने अपने वो क्लियर कर दिया कि पहले हम लोग 9th के कौन से चैप्टर और 10th के कौन से चैप्टर लेके आएंगे आप तक, डन है बच्चों, ओके। तो आई होप ये वीडियो आपको समझाएगी कि आगे आने वाले हफ्ते में हमारी पढ़ाई कैसे होने वाली है, हफ्तों में हमारी पढ़ाई कैसे होने वाली है, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, लेक्चर में, सबसे पहले मैं ही आपसे मिल रहा हूँ 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल के लिए, और 10th में कार्बन्स कंपाउंड का तो लेक्चर मैंने भाई साहब रिकॉर्ड किया, बड़ा ही सेक्सी तरीके से रिकॉर्ड किया, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, ओके। मिलते हैं कार्बन्स कंपाउंड 10 और 9th में एटम्स, थैंक यू सो मच।